विद्यार्थियों, विगत दिनों काव्य सौंदर्य के तत्व यह प्रकरण चल रहा था जिसमें रस आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हास और करुण रस की जानकारी दी गई। काव्य सौंदर्य का दूसरा तत्व छंद है। छंद को इस रूप में परिभाषित किया गया है, जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गति, विराम, तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। छंद ज्ञान के लिए निम्नलिखित शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। छंद में कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिनकी परिभाषा जानना आवश्यक है। ऐसे शब्दों में पहला है वर्ण। छंद में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला का लघु वर्ण ह्रस्व अक्षर लघु अ ई उ ऋ अर्धचंद्राकार बिंदु को लघु कहते हैं। इसे आई चिन्ह से प्रकट किया जाता है। इसको ह्रस्व या लघ चिन्ह कहते हैं। दूसरा है गुरु दीर्घ अक्षर आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अ को गुरु वर्ण कहते हैं। इसे दीर्घ चिन्ह से यश के आकृति के चिन्ह से प्रकट किया जाता है। दूसरा है मात्रा। छंदों में मात्रा भी होती है। मात्रा को इस रूप में परिभाषित किया गया है, किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु की एक मात्रा तथा दीर्घ की दो मात्राएं मानी जाती हैं। अभी इतना, शेष आगे।